हाँ जी, टैक्स लॉज सेकंड लेक्चर है आज हमारा। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये सारे टॉपिक्स कवर किए थे। व्हाट इज टैक्स, डेफिनेशन ऑफ टैक्स बाय डिफरेंट ऑथर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ऑफ गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्सेस, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेस, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टैक्सेशन सिस्टम, कैनन्स ऑफ टैक्सेस, वाई गवर्नमेंट इम्पोज टैक्सेस या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेस। तो ये सारे टॉपिक्स हमने अपने लेक्चर नंबर वन में कवर किए थे, राइट? जो कि बेसिकली आपके सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग टैक्स लॉ का फर्स्ट लेसन है। और उसी लेसन के कुछ टॉपिक्स अभी रह गए हैं जो कि हम आज कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप ऑफ टैक्सेस से। ये सब हम कवर कर चुके थे, राइट? टाइप ऑफ टैक्सेस, देखिए अभी तक आपको ये तो पता चल ही गया है कि टैक्स क्या होता है। बेसिकली अ फाइनेंशियल चार्ज इम्पोज बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, राइट? टैक्स दो तरह के हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट टैक्सेस या इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब कहता है वो टैक्स जहां पर टैक्स पेयर और गवर्नमेंट के बीच में डायरेक्ट लिंक एस्टेब्लिश हो जाए। इसका मतलब जिसके ऊपर टैक्स इम्पोज किया जा रहा है वही टैक्स पे भी कर रहा है और उसी के ऊपर टैक्स का बर्डन भी है। मैं एक बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलिए कि इनकम मैं अर्न कर रहा हूँ, राइट? तो इनकम मैं अर्न कर रहा हूँ, गवर्नमेंट मुझे कहती है लाओ जी इस इनकम के ऊपर टैक्स पे कीजिए, जिसे हम बोलेंगे इनकम टैक्स, एज पर इनकम टैक्स लॉज इस इनकम के ऊपर टैक्स पे कीजिए, राइट? तो जी टैक्स किसके ऊपर इम्पोज हुआ? मेरे ऊपर। पे कौन कर रहा है? मैं ही। और जो मैं ये टैक्स पे कर रहा हूं क्या अपना बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट कर सकता हूं? द आंसर इज नो। मतलब बर्डन भी किसके ऊपर है? मेरे ऊपर, राइट? आई हैव टू बियर दिस टैक्स। बड़ी सिंपल सी बात है। अब मान के चलिए कि मैं एक शॉपकीपर हूं, ठीक है? मैं गुड्स सेल करता हूं, गवर्नमेंट कहती है जी जो भी गुड्स सेल किए जाएंगे उनके ऊपर जीएसटी पेएबल है। गुड्स के ऊपर जीएसटी पेएबल है, ठीक है? गवर्नमेंट ने कहा आप एक काम कीजिए, आप गुड्स की कॉस्ट बताइए कितनी है। मैंने कहा जी 100 रुपये। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, इसके ऊपर 18% जीएसटी और ऐड कर दीजिए, 18 रुपये और ऐड कर दीजिए 18% जीएसटी, और आप अल्टीमेट कंज्यूमर से 118 रुपीज लीजिए, ठीक है जी? अब गवर्नमेंट ने टैक्स किसके ऊपर इम्पोज किया? मेरे ऊपर, शॉपकीपर के ऊपर। टैक्स किसके ऊपर इम्पोज किया? शॉपकीपर के ऊपर। पे किसे करना है? शॉपकीपर को। लेकिन अल्टीमेट लाइबिलिटी किसकी है? कहता है जी इस केस में अल्टीमेट लाइबिलिटी किसकी है जी? कंज्यूमर की। अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर है? कंज्यूमर के ऊपर। चाहे मैं गवर्नमेंट को ये टैक्स पे कर रहा हूं लेकिन किससे कलेक्ट कर रहा हूं? कंज्यूमर से। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स किस लिए? कहता है जी जिस इंसान के ऊपर, जिस बेचारे के ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी आकर पड़ गई, टैक्स का बर्डन पड़ गया है जिसके कंधों पर, उससे तो गवर्नमेंट ने टैक्स मांगा भी नहीं था। टैक्स मांगा था सेलर से, जबकि किसकी जेब से गया है? कंज्यूमर की। तो इनडायरेक्टली किसकी जेब से गया है? कंज्यूमर की, राइट? इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कंज्यूमर के ऊपर तो टैक्स इंपोज किया ही नहीं गया था। किसके ऊपर किया गया था? सेलर के ऊपर। तो इस टाइप के टैक्सेस जहां पर टैक्स बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है किसी और के ऊपर, अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर, ऐसे टैक्सेस को हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट। और ऐसे टैक्सेस जहां पर टैक्स
टैक्स बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता। अल्टीमेट लाइबिलिटी किसकी है? अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर है? मेरे ऊपर ही, क्योंकि मैं अपनी इनकम का एक पार्ट टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट को पे कर रहा हूं। तो इस टाइप के टैक्स को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट टैक्स। तो जी इनकम टैक्स क्या हो गया? कहता है जी इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स, जबकि जीएसटी क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स। अब मान के चलो मैं इंपोर्टर हूं, मैं यूएसए से गुड्स इंपोर्ट करता हूं, ठीक है जी। मैंने गुड्स परचेज किए 100 रुपए के, जो कॉस्ट लगी, और इंपोर्ट ड्यूटी मुझे पे करनी पड़ी, इंपोर्ट ड्यूटी मुझे पे करनी पड़ी 12 रुपए। तो अल्टीमेटली इंडिया में गुड्स मुझे कितने रुपए के पड़े? 112 रुपए के। मैं इसके अंदर अपना प्रॉफिट ऐड करता हूँ लेट्स से 18 रुपए का, और मैं कंज्यूमर को ये सेल कर रहा हूँ 130 रुपीज का। अब जी इन सब में कॉस्ट भी है, टैक्स भी है, और मेरा प्रॉफिट भी है। तो कंज्यूमर की जेब से टैक्स भी तो जा रहा है, 130 रुपए में कंज्यूमर को टैक्स भी तो पे करना पड़ रहा है 12 रुपए का। तो ये जो इंपोर्ट ड्यूटी थी किसके ऊपर इंपोज की गई? कहता है जी इंपोर्टर के ऊपर, जो कि अल्टीमेटली मैं हूं। तो इंपोज तो की गई इंपोर्टर के ऊपर, ली किससे गई? कहता है जी इंपोर्टर से, बट अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर जाके पड़ा? कहता है जी बायर के ऊपर। क्यों पड़ा? क्योंकि लो ने ही अलाउ कर रखा है, लो ने कह रखा है कि अगर आप कोई इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हो तो आप उसको बिल में ऐड करके कंज्यूमर से ले सकते हो। तो अल्टीमेटली लो ने क्या कहा कि आप कंज्यूमर से ये टैक्स लीजिए और हमें दीजिए, अगर आप कंज्यूमर से नहीं ले पाए तो आपको ही देना है, लेकिन अगर आपने कंज्यूमर से ले लिया तो आप हमें दीजिए। राइट, कंज्यूमर से लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो कुल मिला के लो ने हमें अथॉरिटी दी कि हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस को इनवॉइस का पार्ट बनाकर कंज्यूमर से रिकवर कर सकते हैं, वो टैक्सेस जो हमारी जेब से चले गए हैं। राइट, तो इनडायरेक्टली कंज्यूमर के ऊपर जो बर्डन पड़ रहा है उसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, और जिसके ऊपर लेवी किया जा रहा है, मतलब लो ने जिसके ऊपर इम्पोज किया है वही पे भी कर रहा है और अल्टीमेट लाइबिलिटी भी उसी की है, तो उसे बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। राइट, हाँ जी। तो डायरेक्ट टैक्स के केस में डायरेक्ट लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द टैक्स पेयर, एग्जाम्पल इनकम टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के केस में कहता है नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द टैक्स पेयर, क्योंकि टैक्स अल्टीमेटली किसकी जेब से आ रहा है? कहता है जी अल्टीमेट कंज्यूमर की जेब से। लाइबिलिटी टू पे टैक्स इज ऑन वन पर्सन, लाइबिलिटी किसकी है? कहता है जी सेलर की, सर्विस प्रोवाइडर की, सप्लायर की, इम्पोर्टर की, लेकिन टैक्स रिकवर किससे किया जा रहा है? अल्टीमेट कंज्यूमर से। तो इट इज रिकवर्ड फ्रॉम सम अदर पर्सन, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, जीएसटी पेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एक्साइज ड्यूटी पेबल ऑन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इन इंडिया, कस्टम ड्यूटी कहता है जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर। राइट, तो दोनों के बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस अगर टेबल के फॉर्मेट में देखें हम, तो कहता है जी सबसे पहला डिफरेंस क्या है? इंसिडेंस एंड इंपैक्ट का। इंसिडेंस का मतलब हु इज लायबल टू पे द टैक्स, और इंपैक्ट का मतलब अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर पड़ रहा है। कहता है डायरेक्ट टैक्स में इंपैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ अ टैक्स आर ऑन वन एंड सेम पर्सन, जिसके ऊपर टैक्स इम्पोज किया जा रहा है उसी के ऊपर इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स के केस में कहता है इम्पैक्ट इज ऑन वन पर्सन, मतलब अल्टीमेट कंज्यूमर, इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर। जबकि टैक्स इम्पोज किसके ऊपर किया जा रहा है? कहता है जी सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर, सप्लायर के ऊपर, सेलर के ऊपर, इम्पोर्टर के ऊपर। राइट, बट इम्पैक्ट जा किसकी जेब से रहा है? कहता है जी अल्टीमेट कंज्यूमर की जेब से।
burden. Direct tax is imposed on one person and burden of tax cannot be shifted to other. But indirect tax is imposed on commodities. आप goods sell कर रहे हैं, आप services provide कर रहे हैं, तो ultimately you are supplying goods and services. लाओ जी, GST पे कीजिए. आप जी manufacture या produce कर रहे हैं, क्या goods? लाओ जी, excise duty दीजिए. आप जी import कर रहे हैं या export कर रहे हैं, क्या goods? लाओ जी कस्टम ड्यूटी दीजिए. तो अल्टीमेटली इनडायरेक्ट टैक्सेस जो इंपोज किया जाता है किसके ऊपर? कहता है कमोडिटीज के ऊपर. एंड हु इज लायबल टू पे? कहता है सेलर और सप्लायर. बट सेलर एंड सप्लायर कैन शिफ्ट द टैक्स बर्डन ऑन द बायर. हाँ जी, अवेबिलिटी ऑफ पेमेंट. कहता है बेस्ड ऑन इनकम अर्निंग एबिलिटी ऑफ द पीपल. भाई डायरेक्ट टैक्सेस के केस में क्या है? जिसकी ज्यादा इनकम उसको ज्यादा टैक्स पे करना है, जिसकी कम इनकम उसको कम टैक्स पे करना. यही होता है डायरेक्ट टैक्सेस केस में. इनडायरेक्ट टैक्सेस केस में क्या है? कहता है जी चाहे भिखारी कोई सामान परचेज करे, चाहे मेरे जैसा आम आदमी कोई सामान परचेज करे, चाहे आप जैसा कोई अमीर आदमी कोई सामान परचेज करे, सबको उस सामान के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना है, क्योंकि टैक्स MRP का पार्ट है. जो MRP लिखा होता है प्रोडक्ट के ऊपर, टैक्स उसका पार्ट है. तो MRP अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तो है नहीं, सबके लिए सेम है, तो सबको सेम टैक्स पे करना है, राइट. एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी. कहता है जी डायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट करने में ज़्यादा खर्चा आता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट करने में कम खर्चा आता है. डायरेक्ट टैक्सेस को इवेड करना आसान है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को इवेड करना मुश्किल है. क्यों? अगर मान के चलो मेरी इनकम है 10 लाख रुपीस की, मैं अपनी इनकम कम शो कर सकता हूँ, मैं अपनी इनकम कम शो कर सकता हूँ, राइट. मेरे हाथ में है, मैं चाहूँ तो कोशिश कर सकता हूँ कि मैं इनकम कम शो करूँ और उसके ऊपर कम टैक्स पे करूँ. या अगर मैं मान के चलो इनकम शो ही नहीं कर रहा अपनी, जैसे मेरे पास एक हाउस है, उससे मुझे रेंटल इनकम है, लेकिन मैं रेंट हमेशा कैश में लेता हूँ, तो कहीं पर ट्रांजैक्शन शो ही नहीं कर रहा मैं, ना मेरे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स में ट्रांजैक्शन शो हो रही है, ना मैं ऑनलाइन एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं जो भी रेंट ले रहा हूँ कैश में ले रहा हूँ और उसको अपने डे टू डे लाइफ में खर्च कर देता हूँ, राइट, या फिर किसी और वे में यूटिलाइज़ कर लेता हूँ, तो मैं इनकम शो ही नहीं कर रहा, इसलिए मुझे उसके ऊपर इनकम टैक्स पे ही नहीं करना. तो डायरेक्ट टैक्सेस के केस में जो टैक्स इवेजन है, टैक्स इवेजन का मतलब टैक्स की चोरी, आसान है. इनडायरेक्ट टैक्स के केस में देखिए, जैसे ही सेलर सामान सेल कर रहा है तो कंज्यूमर के पास तो गवर्नमेंट जाए नहीं रही ना, किससे ले रही है? सेलर से. गवर्नमेंट क्या कह रही है? भैया आपसे ले लेंगे हम, आप अगर 100 कंज्यूमर्स को सेल कर रहे हो तो उन 100 के पीछे नहीं भागेंगे हम, तो 100 के नाम का टैक्स आपसे ले लेंगे, तो MRP में ऐड करके सेल कीजिए. तो इसलिए कंज्यूमर बच ही नहीं सकता, टैक्स इवेड करना मुश्किल हो जाता है, राइट. हाँ, यहाँ सेलर हो सकता है कि भाई अपनी सेल कम दिखाए या ऑन रिकॉर्ड ना दिखाए, तो ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि टैक्स इवेड करना इम्पॉसिबल है इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, बट टैक्स इवेजन डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है. यहाँ पर क्या है, मान के चलिए मैंने अपनी इनकम कम शो कर दी, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ टैक्सेशन एक ही है जहाँ टैक्स पे किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, एस ने पी को माल सेल किया, पी ने टी को सामान सेल किया, भाई एस मैन्युफैक्चरर है, पी होलसेलर है, टी रिटेलर है, फिर आगे जाके एक्स को सेल किया गया, ये कंज्यूमर है, तो यहाँ पॉइंट ऑफ टैक्सेशन काफ़ी सारे हैं, किसी भी पॉइंट पर बंदा फंस सकता है कि लाओ जी बिल दिखाओ क्या टैक्स पेड है या नहीं है, राइट. तो यहाँ थोड़ा सा इवेजन मुश्किल हो जाता है हमारे पास. हाँ जी, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. देखिए मेरिट तो सबसे पहले क्या है कि डायरेक्ट टैक्सेस इक्विटी बेस्ड है, और हम लोग लास्ट लेक्चर में बड़े अच्छे से समझ चुके हैं कि इक्विटी का मतलब क्या है. कहता है जी समानता के अनुसार, कि अगर सेम लेवल ऑफ इनकम है ए की भी और बी की भी, तो ए को भी उतना ही टैक्स पे करना है जितना बी को, कम ज़्यादा टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है. अगर ज़्यादा इनकम है ए की बी से, तो ए को ज़्यादा टैक्स पे करना है और बी को कम टैक्स पे करना है, तो हम इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विटी, इसे बोलते हैं वर्टिकल इक्विटी, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट.
इलास्टिसिटी एंड प्रोडक्टिविटी, कहता है जी फ्लेक्सिबिलिटी, डायरेक्ट टैक्सेस में चेंजेस करने आसान है, काफ़ी आसान है। आप डायरेक्ट टैक्सेस में चेंजेस करना चाहते हैं तो हर साल फाइनेंस एक्ट आता है, फाइनेंस एक्ट में आप चेंजेस दे सकते हैं, गवर्नमेंट चेंजेस दे सकती है, राइट, अमेंडमेंट्स ला सकती है डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर। तो बेसिकली डायरेक्ट टैक्सेस में जो चेंजेस आते हैं वो डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कितने रिवेन्यू की ज़रूरत है, गवर्नमेंट का क्या बजट है आने वाले टाइम में, गवर्नमेंट का क्या बजट है, उसके बेसिस पर गवर्नमेंट फाइनेंस एक्ट लेके आती है। या फिर गवर्नमेंट को लगता है जी मार्केट सिनेरियो चेंज हो रहा है, इकोनॉमी चेंज हो रही है, या गवर्नमेंट को लगता है यार लोगों को जो प्रोसीजर्स है वो डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, लोग कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो चेंजेस तो देखिए टैक्स लॉज के पार्ट, मतलब टैक्स लॉज का पार्ट है, अमेंडमेंट्स आती रहती है, राइट। और टैक्स लॉ को बनाया भी ऐसा ही जाना चाहिए जहाँ फ्लैक्सीबिलिटी हो। तो ये एक मेरिट है डायरेक्ट टैक्सेस की। सर्टेनिटी, ये बहुत बड़ी मेरिट है डायरेक्ट टैक्सेस की। कहता है सर्टेनिटी दोनों तरफ से है, एक तो टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, और गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। भाई टैक्स पेयर को भी पता होता है कि हाँ मैं अगर इतना कमाऊँगा तो मुझे इतना टैक्स पे करना है। अगर मुझे पता है कि मेरी इनकम 2.5 लाख रुपीज तक है तो मुझे टैक्स भी पता है कि भैया मुझे कोई टैक्स पे नहीं करना। अगर मेरी इनकम अप टू 5 लाख रुपीज तक है तो मुझे इस चीज़ की सर्टेनिटी है कि मुझे कितना टैक्स पे करना है, कि फर्स्ट 2.5 लाख रुपीज तक मुझे कोई टैक्स पे नहीं करना, नेक्स्ट 2.5 लाख रुपीज पे मुझे 5% टैक्स पे करना है, इसका मतलब मुझे 12,500 रुपीज पे करना है, राइट। तो जी डायरेक्ट टैक्सेस के केस में टैक्स पेयर के लिए भी सर्टेनिटी होती है, टैक्स पेयर को एग्जैक्टली पता होता है कि मुझे कितना टैक्स पे करना है, हाउ आई कैन प्लान फॉर सेविंग द टैक्स, मतलब कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, किस तरह से सेव किया जा सकता है। इवेजन की बात नहीं कर रहा मैं, टैक्स इवेजन का मतलब टैक्स चोरी, टैक्स सेविंग का मतलब लीगल प्रोविजंस को यूज़ करते हुए टैक्स को सेव करना। जैसे हम पढ़ेंगे कि अगर आप म्यूचुअल फंड में लेट से 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट करवाते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये आपकी टोटल इनकम में से डिडक्ट कर दिए जाएंगे, ग्रोस डिडक्शन में हम पढ़ेंगे, राइट, टोटल इनकम में से डिडक्ट कर दिए जाएंगे और इसके ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, राइट। तो ये क्या है, टैक्स सेविंग, हमने एज पर लॉ टैक्स सेव किया है, तो सर्टेनिटी होती है कितनी इनकम पर क्या टैक्स पे करना पड़ेगा, क्या टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, राइट। और गवर्नमेंट के लिए भी ये सर्टेनिटी होती है कि हाँ क्या कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है, कितने टैक्स पेयर्स हैं और कितना टैक्स हमें मिलने वाला है, राइट। हाँ जी, उसके बाद हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि देखिए ना जिसके पास कम इनकम है उसे कम टैक्स पे करना है, जिसके पास ज़्यादा इनकम है उसे ज़्यादा टैक्स पे करना है, जिसके पास 2.5 लाख से भी कम इनकम है उसे टैक्स पे ही नहीं करना। तो बेसिकली जो हाई अर्निंग सेगमेंट है उनसे टैक्सेस लेकर उस सेगमेंट के लिए यूज़ किया जाता है जिसकी अर्निंग नहीं है या बहुत कम है, राइट। गुड इंस्ट्रूमेंट इन केस ऑफ इन्फ्लेशन या फिर डिप्रेशन, अगेन ये चीज़ हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मान के चलिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो गवर्नमेंट टैक्स रेट इंक्रीज कर देगी, टैक्स रेट इंक्रीज कर देगी तो लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए कम पैसा होगा, खर्च करने के लिए कम पैसा होगा तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगी। अगर डिप्रेशन चल रहा है तो गवर्नमेंट टैक्स रेट कम कर देगी, लोगों के पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसा होगा तो ऑटोमेटिकली डिप्रेशन कंट्रोल में आ जाएगा, राइट। एंड डायरेक्ट टैक्सेस आर सिंपल, मतलब जो रूल्स है, प्रोसीजर्स है, रेगुलेशंस हैं वो सारे सिंपल है, राइट। डीमेरिट्स क्या है जी, सबसे पहला इजी टू इवेड, वो चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, हाँ जी इसकी इवेजन इजी है, राइट। अन इकोनॉमिकल, मतलब कलेक्टिंग कॉस्ट इज हैवी। अनपॉपुलर, अनपॉपुलर किस लिए, अब भैया मुझे कहा जाएगा पूरे साल की इनकम का टैक्स एक साथ दे दो, मैंने पूरे साल में 10 लाख रुपए अर्न करे और मुझसे कहा जा रहा है लाओ जी 10 लाख के ऊपर टैक्स पे कर दो, लेट से 1,12,500 रुपये एक साथ टैक्स पे कर दूं,
भैया इतना बड़ा अमाउंट मेरी जेब से एक साथ जाएगा, वो भी टैक्स के नाम का, तो दिल में तो टीस उठेगी, दर्द तो होगा, राइट? इसीलिए अनपॉपुलर, लमसम अमाउंट इज पेएबल फॉर होल ईयर। टैक्स रेट्स आर प्रोग्रेसिव, आर ऑफ प्रोग्रेसिव नेचर। प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स के रेट्स भी बढ़ते जाएंगे। जैसे हमने डिस्कस किया ना कि फर्स्ट 2.5 लाख रुपीज तक कोई टैक्स पे नहीं करना, अगले 5 लाख रुपए पर लेट से 5% टैक्स पे करना है, अगले 5 लाख रुपए पर अप टू 5 लाख रुपीज तक, फिर अगले 5 लाख रुपए मतलब अप टू 10 लाख रुपीज पर हमें 20% टैक्स पे करना है। यार जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है टैक्स रेट बढ़ता जा रहा है, 10 लाख से भी ज़्यादा इनकम है तो उस केस में 30%। तो लोग थोड़े से क्या कहते हैं, डिमोटिवेटेड फील करते हैं अपने आप को, यार कमा किसके लिए रहे हैं, इतना हार्ड वर्क किसके लिए कर रहे हैं, टैक्स पे करने के लिए, राइट? तो टैक्स पेयर्स फील डिस इंसेंटिव, मतलब उनको लगता है किस लिए काम कर रहे हैं यार, इतना हार्ड वर्क किस लिए कर रहे हैं, पैसा किस लिए सेव कर रहे हैं, टैक्स पे करने के लिए। हाँ जी, नॉट सुटेबल टू अ पुअर कंट्री, क्योंकि पुअर कंट्री के अंदर टैक्स पेयर इतने नहीं होते जितना टैक्स कलेक्ट करने की कॉस्ट लग जाती है, राइट? आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी का मतलब क्या हो गया, कहता है जी ये जो टैक्स रेट्स रखे हुए हैं कि हाँ 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं पे करना, फिर 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए की अगर इनकम है तो उसके ऊपर 5% टैक्स पे करना है, फिर जी 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए की इनकम पर 20% टैक्स पे करना है, तो जो टैक्स रेट्स है, ये स्लैब्स है, ये काफ़ी आर्बिट्ररी है, नो लॉजिकल और साइंटिफिक प्रिंसिपल टू डिटरमाइन द टैक्स रेट्स, ठीक है जी? तो ये सारे क्या थे, डीमेरिट्स। तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, अब मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी देख लेते हैं जी। हाँ जी, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सबसे पहली चीज गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहता है जितना डायरेक्ट टैक्सेस से रिवेन्यू जनरेट नहीं होता उससे बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिवेन्यू जनरेट होता है, तो हाई रिवेन्यू एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्सेस। फिर जी गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही वेरी लेस चांसेस ऑफ इवेजन, इवेड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि पॉइंट ऑफ टैक्सेशन काफ़ी हो सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के केस में, कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा बंदा। कन्वीनियंट फॉर टैक्स पेयर एज वेल एज गवर्नमेंट टैक्स पेयर, जैसे हम लोग सामान परचेज करने जा रहे हैं तो एमआरपी के साथ ही दे रहे हैं जी दुकानदार को, कोई हमें वो सामान परचेज करने के लिए टैक्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में थोड़ी ना देके आना है, राइट? तो गवर्नमेंट के लिए भी कन्वीनियंट है कि हर कस्टमर के पीछे नहीं भागना, सीधा शॉपकीपर को पकड़ लेना है, सीधा सप्लायर को पकड़ लेना है, सीधा मैन्युफैक्चरर को पकड़ लेना है। अब भैया मैन्युफैक्चरर अगर 500 लोगों को सामान दे रहा है तो भैया हम तो मैन्युफैक्चरर से एक्साइज ड्यूटी ले लेंगे, वो बिल में ऐड करके 500 लोगों से लेता रहे, राइट? तो कन्वीनियंट फॉर टैक्स पेयर एज वेल एज गवर्नमेंट। इकोनॉमिकल मतलब कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस इज रियली वेरी लेस एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्सेस। हाँ जी, पेबल ऑन वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लगभग सबके ऊपर ये टैक्सेस लग रहे हैं। अगर आप जीएसटी कहें, जीएसटी की बात करें तो लगभग हर तरह की सप्लाई के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है, राइट? नेगेटिव लिस्ट चलती है, नेगेटिव लिस्ट का मतलब क्या हो गया, बस इन इन चीज़ों के ऊपर टैक्स पेबल नहीं है, बाकी तो सब पे टैक्स पेबल है, तो बहुत सारा टैक्स इकट्ठा होता है। इलास्टिसिटी मीन्स मॉडिफिकेशन इजी है इनडायरेक्ट टैक्सेस के केस में भी। डीमेरिट्स कहता है जी सबसे पहली चीज तो रिग्रेसिव इन इफेक्ट, गरीब हो, भिखारी हो, आम आदमी हो या अमीर आदमी हो, सबको एक जैसा टैक्स पे करना है। अगर कोई बर्गर परचेज कर रहे हो मैकडी में जाकर, तो वो बर्गर चाहे गरीब आदमी परचेज कर रहा है, चाहे आम आदमी, चाहे अमीर आदमी, सबको उसके ऊपर सेम टैक्स पे करना है, राइट? दूसरी चीज अनसर्टेनिटी इन कलेक्शन, लोग जितना ज़्यादा खर्च करेंगे गवर्नमेंट को टैक्स उतना ज़्यादा मिलेगा, लोग जितना कम खर्च करेंगे गवर्नमेंट को टैक्स उतना कम मिलेगा, बिजनेस जितना अच्छा चलेगा गवर्नमेंट को टैक्स उतना ज़्यादा मिलेगा, बिजनेस जितना मंदा चलेगा गवर्नमेंट को टैक्स उतना कम मिलेगा, तो कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेस तो हम कहेंगे डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, कंट्री की जैसी इकोनॉमिक कंडीशन है उसके बेसिस पर ही पता चलेगा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने कलेक्ट होने वाले हैं, राइट? फिर जी डिस्करेज सेविंग, इनडायरेक्ट टैक्सेस तो क्या कह रहे हैं, अरे भैया पैसा खर्चो, सामान परचेज करो, सर्विसेज लो, तभी तो गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा, राइट?
तो डिस्करेज सेविंग्स एंड इंक्रीज इन्फ्लेशन, जितना खर्चा करोगे उतनी डिमांड जनरेट होगी, उतनी ही इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, राइट, उतनी ही इन्फ्लेशन होगी। आ जाइए जी, टाइप ऑफ टैक्स रेट्स, ये टॉपिक ध्यान से सुनिएगा। कहता है जी, इंडिया में बेसिकली दो तरह के टैक्स रेट्स हैं, एक तो स्लैब टैक्स रेट टैक्स और एक फ्लैट रेट टैक्स। स्लैब रेट टैक्सेस, स्लैब रेट टैक्सेस का मतलब जहां पर टैक्स रेट्स के स्लैब है। देखो एग्जांपल के तौर पर, फर्स्ट 2.5 लाख तक कोई टैक्स पे नहीं करना, तो लो जी पहला स्लैब बन गया हमारा। पहला स्लैब कितना बड़ा, 2.5 लाख का, जिस तक कोई टैक्स पे नहीं करना, ठीक है। फिर जी दूसरा स्लैब, कहता है जी अप टू 5 लाख रुपीस, लो जी दूसरा स्लैब बन गया, ये भी कितना बड़ा है, ये भी 2.5 लाख। तो यहां तक कितनी होगी इनकम, कहता है ये जो 2.5 लाख सेकंड स्लैब वाली इनकम है, इसके ऊपर 5% टैक्स पे करना है। इसका मतलब क्या हो गया जी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान के चलो मेरी 3.5 लाख रुपीस की इनकम है, तो जी फर्स्ट 2.5 लाख पे और बाकी के 1 लाख के ऊपर तुम्हें कितना टैक्स पे करना है ओवरऑल। कहता है जी ओवरऑल आपको 4.5 लाख की इनकम है, 4 लाख की इनकम है, तो जी फर्स्ट 2.5 लाख पे और बाकी के 1.5 लाख पे, तो जी जो पहले स्लैब में इनकम आ रही है यहाँ पर कोई टैक्स पे नहीं करना, लेकिन जो इनकम सेकंड स्लैब पर आ रही है, भाई मान के चलो आप मार्केट से 4 सेब परचेज करके लाए, 2 सेब आपने पहले स्लैब पे रख दिए, 2 सेब आपने दूसरे स्लैब पे रख दिए, तो जी जो 2 सेब आपने पहले स्लैब पे रखे उसके नाम का कुछ नहीं पे करना, लेकिन जो 2 सेब दूसरे स्लैब पे रखे उसके नाम का आपको पे करना है 2 रुपये पर सेब। तो 2 × 2 कितना पे करना है, 4, राइट। तो जी जो पहले स्लैब में इनकम आ रही है उस पर तो कुछ पे नहीं करना, लेकिन जो दूसरे स्लैब में इनकम आ जाएगी, कवर हो जाएगी उसके ऊपर 5%, राइट। तो यहाँ पर कितना हो गया जी, 1.5 लाख का 5%, कितना हो गया जी, ठीक है। फिर जी तीसरा स्लैब, कहता जी तीसरा स्लैब, लो जी तीसरा स्लैब थोड़ा ऊंचा है, तो जी ये तीसरा स्लैब कहां तक का है, कहता है 10 लाख रुपीस तक का। तो स्लैब की हाइट कितनी है, कहता है ये ऊंचा स्लैब है, अगर यहां पर अपने सेब रखने हैं कि चूहे मुंह ना मारे सेब को, सेब खराब ना हो, तो थोड़ा सा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। कितना जी, कहता है जी यहां पर सीधा 20%। क्या मतलब हुआ, कहता है मान के चलो आपकी इनकम है 7 लाख रुपए, तो जी 2.5 लाख पर कोई टैक्स पे नहीं करना, फिर नेक्स्ट 2.5 लाख वाले स्लैब में जो आएगा उसके ऊपर 5% टैक्स पे करना है, और फिर जो ये 20% वाले स्लैब पे आ जाएगा, कितनी इनकम आई, 2 लाख, 7 लाख में से 2 लाख आई स्लैब पर, इसके ऊपर 20% टैक्स पे करना है, राइट। तो यहां पर 5% कितना हो गया जी, 2.5 लाख का 5% कितना हो गया, और यहां पर 20% कितना हो गया इस 2 लाख का, तो टोटल टैक्स कितना पे करना, अच्छा यहां पर क्या है, कहता है जी निल, तो टोटल टैक्स कितना पे करना है, $52,500।
तो ये स्लैब कौन सा हो गया, 20% स्लैब, ये 5% स्लैब, ये नो टैक्स स्लैब। अच्छा इससे भी ऊपर कहता है, इससे भी ऊपर है आपकी, तो जो भी इससे ऊपर है जितना भी है, चाहे चाहे जितना भी है, जहां तक मर्जी जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब पे 30%, राइट। तो जी एक तो ये तरीका है स्लैब रेट्स, क्लियर है जी। अगर मान के चलो मैं कहता हूँ आपकी इनकम है 12 लाख, तो 12 लाख के पॉइंट ऑफ व्यू से 2.5 लाख तो यहाँ पर कवर होगी, 2.5 लाख यहाँ पर कवर होगी, 5 लाख यहाँ पर कवर होगी, और 2 लाख यहाँ पर कवर्ड है। इसके ऊपर कितना टैक्स पे करना, कहता है जी 0। इसके ऊपर कितना टैक्स पे करना, कहता है जी 5%। इसके ऊपर कितना टैक्स पे करना है, कहता है जी 20%। तो 5 लाख का 20% कितना हो गया, और इसके ऊपर टैक्स कितना पे करना है, कहता है जी 30%। तो जी 2 लाख का 30% कितना हो गया, तो टोटल टैक्स कितना पे करना है, ऐड कर लीजिए 1,72,500, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे स्लैब रेट ऑफ टैक्सेशन। फ्लैट रेट ऑफ टैक्सेशन मतलब चाहे आप 10 रुपये अर्न करो, या फिर 100 रुपये अर्न करो, या फिर 1,000 रुपये अर्न करो, सबके ऊपर सेम टैक्स, लेट से 30%। तो स्लैब रेट ऑफ टैक्सेशन का मतलब विच डिपेंड्स अपॉन द इनकम लेवल ऑफ द पर्सन। फ्लैट रेट ऑफ टैक्सेशन का मतलब कहता है विच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द इनकम लेवल और एक्टिविटी लेवल ऑफ द पर्सन। सेम रेट पर टैक्स पे करना है, फ्लैट रेट 30%, कोई स्लैब्स नहीं है यहाँ पर, फ्लैट रेट एक ही स्लैब है, सेम यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, उतना ही पे करना है, ठीक है जी। हाँ जी स्लैब रेट टैक्स, हेयर द टैक्स ऑफ द रेट ऑफ टैक्स डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम और द लेवल ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ पर्सन। टैक्स रेट्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द इनकम, मेन मोटिव इज टू मिनिमाइज द इनकम इनइक्वालिटी। जो ज़्यादा अर्न कर रहा है उससे ज़्यादा टैक्स लेकर उनके ऊपर खर्च करेगी गवर्नमेंट, जो कम अर्न कर रहे हैं या जो बेचारे अर्न नहीं कर रहे। तो अमीरों से पैसा लेकर गरीबों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मिनिमाइज इनकम इनइक्वालिटी, राइट। एप्लीकेबल इन केस ऑफ इनकम टैक्स ऑन इंडिविजुअल्स, HUF, AOP, BOI, AJP, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इन केसेस के अंदर क्या एप्लीकेबल है, अभी हम डीपली पढ़ेंगे, ये तो सिंपल स्लैब रेट क्या है, फ्लैट रेट क्या है, ये समझाने की कोशिश की जा रही है, राइट। फ्लैट रेट, हेयर द टैक्स रेट ऑफ टैक्स इज सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इनकम और द लेवल ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑफ अ पर्सन। मेक्स नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रिच एंड पुअर, ये बेचारा भेदभाव नहीं करता, कहता है कि भैया बर्गर खा रहे हो मैकडी का, तो चाहे भिखारी पैसे देकर खा रहा है, चाहे आम आदमी, चाहे अमीर आदमी, ठीक है, सबको सेम टैक्स पे करना उस बर्गर के ऊपर। 30 रुपये का बर्गर है जी, 18% टैक्स पे करना है, तो सबको 18% टैक्स पे करना है। तो ये बेचारा भेदभाव नहीं करता अमीर गरीब में, ये करता है भेदभाव अमीर गरीब में, ये अमीरों को लूटता है, गरीबों को बांटता है, राइट। हाँ जी, एप्लीकेबल इन केस ऑफ इनकम टैक्स ऑन पर्संस लाइक कंपनी, LLP, फर्म, लोकल अथॉरिटीज। तो जी कंपनी के केस में, LLP के केस में, पार्टनरशिप फर्म के केस में, लोकल अथॉरिटीज के केस में, इनके केस में 30% फ्लैट रेट टैक्स इज एप्लीकेबल इन इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्सेस केस में तो होता ही फ्लैट रेट है, जैसे मैं कहूँ GST 18%, राइट। तो यहाँ पर अलग अलग अगर टैक्स रेट भी है, आपने सुना होगा 12% भी है जी GST, आपने सुना होगा 5% भी है जी GST। तो जो अलग अलग टैक्स रेट है, ये अलग अलग गुड्स के लिए है, हम ये नहीं कहेंगे कि अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए या अलग अलग इनकम लेवल के लिए, अलग अलग गुड्स के लिए है, राइट। अगर मान के चलो ये बर्गर पर 5% एप्लीकेबल है वैसे तो, फूड आइटम पर, ठीक।
लेकिन ये 5% ही देना है सबको, ऐसा नहीं है किसी से 18% लिया जा रहा है, किसी से 5% लिया जा रहा है। तो हम ये स्लैब नहीं बोलेंगे इन्हें, हम कहेंगे जीएसटी रेट्स है, अलग अलग गुड्स के ऊपर अलग अलग रेट्स है, लेकिन सेम गुड के लिए सबके ऊपर सेम रेट एप्लीकेबल है, स्लैब्स नहीं है यहाँ पर, राइट। आ जाइए जी, अब आपकी बुक में एक ये बड़ा ही बोरिंग सा टॉपिक दिया हुआ है, हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया, बट ठीक है, सिलेबस का पार्ट है, कवर करना है हमें। तो जी इनकम टैक्स इन इंडिया कब इंट्रोड्यूस किया गया था, कहता है जी ब्रिटिश राज में ही इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, एक्चुअल में तो सारे लॉज ब्रिटिश राज में ही इंट्रोड्यूस किए गए थे, राइट। पहला हमारे पास इनकम टैक्स आया था इन द ईयर 1860 बाय पासिंग इनकम टैक्स एक्ट 1860। तो जी ब्रिटिशर्स ने बेसिकली ये इंडिया में एक्ट पास किया था 1860 में। देखिए कोई ये हिस्ट्री नहीं है इनकम टैक्स लॉज की, या इनकम टैक्स की हिस्ट्री कोई ये नहीं है कि हाँ जी 1860 से पहले इनकम टैक्स नाम की कोई चीज़ नहीं थी। टैक्स तो हमने जैसे डिस्कस किया सदियों से, जब से हम कहेंगे सिविलाइजेशन है तब से ये टैक्स का कंसेप्ट है। पहले के टाइम में राजा महाराजा काइंड के फॉर्म में टैक्स लेते थे, आप 10 किलो प्रोड्यूस करो गेहूँ, 1 किलो हमें टैक्स पे कीजिए, राइट। तो टैक्स लेने के तरीके चेंज होते रहे, टैक्स सिस्टम चेंज होता रहा, हैंड्स चेंज होते रहे कि कौन टैक्स लेगा, राइट। लेकिन टैक्सेस का कंसेप्ट तो सदियों से चलता आ रहा है, अर्थशास्त्र तक से चलता आ रहा है, वहाँ पर भी टैक्सेस के हिंट दिए गए हैं, राइट। बड़ा सिंपल सा रीज़न है ना, हमेशा कोई ना कोई संभालता है सोसाइटी को, चाहे वो किंग है चाहे वो क्वीन है या कोई और किसी और फॉर्म में, हमेशा से कोई ना कोई संभालता है, गवर्नमेंट के फॉर्म में संभालता है। तो जो सोसाइटी को संभालेगा, संभालने के लिए पैसा तो चाहिए ना। तो टैक्स का कॉन्सेप्ट कोई ऐसा नहीं है कि हाँ 1860 से इंट्रोड्यूस किया गया है, हम कह रहे हैं इनकम टैक्स लॉज का कॉन्सेप्ट कब से आया, इससे पहले लॉ नहीं बना हुआ था कोई भी इनकम टैक्स रिलेटेड, राइट। तो जो लॉ है वो सबसे पहले कब पास हुआ, कहता है 1860 में। हाँ जी, फिर हमारे पास कहता है 5 साल के लिए पास किया गया था ये एक्ट, सिर्फ 5 सालों के लिए, और 1865 में ये एक्ट लैप्स हो गया था, ख़त्म हो गया था, बेसिकली रिप्लेस्ड बाय द लाइसेंस टैक्स ऑन प्रोफेशंस एंड ट्रेड। फिर जी इवन ये लाइसेंस टैक्स भी ख़त्म हो गया था, हमारे पास एक सर्टिफिकेट टैक्स आ गया था फॉर ट्रेड, राइट। आज ये उसके बाद जब ये हमारे पास ख़त्म हुआ तो हमारे पास क्या आया, इनकम टैक्स एक्ट 1886 आफ्टर 20 ईयर्स कह लीजिए लगभग, ठीक है। तब तक यही चलता रहा था ये लाइसेंस टैक्स या फिर सर्टिफिकेट टैक्स। हाँ जी, इनकम टैक्स एक्ट 1886, तो टैक्स्ड इनकम ऑफ रेजिडेंट्स एज वेल एज नॉन रेजिडेंट्स। तो जी इस एक्ट के अंदर प्रोविजंस लाए गए कि रेजिडेंट्स की इनकम भी टैक्सेबल है और नॉन रेजिडेंट्स की इनकम भी टैक्सेबल है जो इंडिया में है, तो उससे रिलेटेड प्रोविजंस लाए गए। फर्दर इस एक्ट में फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चरल इनकम को डिफाइन किया गया कि क्या एग्रीकल्चरल इनकम कंसीडर की जाएगी और क्या एग्रीकल्चरल इनकम कंसीडर नहीं की जाएगी, और एग्रीकल्चरल इनकम को एग्जम्प्ट किया गया फ्रॉम द इनकम टैक्स कि एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर इनकम टैक्स पेएबल नहीं है, दैट इज एग्जम्प्टेड, क्योंकि उस वक्त ना लैंड रिवेन्यू ही इतना ज़्यादा था और वो लैंड रिवेन्यू एक तरह का डायरेक्ट टैक्स था, राइट। तो ये सोचा गया कि ऑलरेडी फार्मर्स के ऊपर लैंड रिवेन्यू लगा हुआ है तो उनकी इनकम को इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट कर दिया जाए, ठीक है जी, जो आज तक चलता आ रहा है, एग्रीकल्चरल इनकम आज भी एग्जम्प्टेड है। हाँ जी, फिर इसके अंदर एक चीज़ स्पेशल क्या थी कि फर्स्ट टाइम HUF को इनकम टैक्स में डिस्टिंक्ट टैक्सेबल पर्सन कंसिडर किया गया कि जी आप HUF को इनकम टैक्स में रजिस्टर करवा सकते हैं और उस केस में HUF के हर मेंबर की इनकम टैक्सेबल नहीं होगी बल्कि पूरे HUF की इनकम टैक्सेबल होगी। फर्दर कहता है फर्स्ट टाइम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को एग्जम्प्ट किया गया, अगर SSC अपनी लाइफ के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है तो उस अमाउंट के ऊपर टैक्स पे नहीं किया जाएगा। मतलब मान के चलो अगर मेरी इनकम 5 लाख है और अपनी इनकम में से 1 लाख रुपये का मैं अपना लाइफ इंश्योरेंस पे करता हूँ तो जी इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा,
सिर्फ 4 लाख के अमाउंट पे टैक्स पे किया जाएगा। तो कंसेप्ट फर्स्ट टाइम 1886 में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है जी, फिर हमारे पास नया इनकम टैक्स एक्ट आया। देखिए वो ना जमाना ही चेंज का था, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी चेंज हो रही थी, पूरे वर्ल्ड का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था, सारे वर्ल्ड में रिवॉल्ट्स चल रहे थे, राइट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पूरा सिनेरियो तैयार हुआ हुआ था। तो जैसे जैसे चेंजेस इंग्लैंड में आते गए, वैसे वैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में भी चेंज करते गए। हाँ जी, इस एक्ट की खासियत क्या थी? कहता है फर्स्ट टाइम नॉन रिकरिंग या कैजुअल रिसीप्ट्स कवर की गई। तो अगर मान के चलो, मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मान के चलिए कि मैं 2 AC लेके आता हूँ अपने घर में लगाने के लिए, लेकिन जैसे ही मैं AC लेके आया, मेरा पड़ोसी बोला यार 2000 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए AC देते, तो कायदे से मेरा बिजनेस तो नहीं है वो, ये नॉन रिकरिंग इनकम है कि चलो एक बार मुझे अक्कर हो गई, ऐसा तो नहीं है मैं बार बार 2 AC लाऊं और फिर बेच दूंगा, या मैं कहूँगा कैजुअल रिसिप्ट है। ठीक है, नेचर प्रिटेनिंग टू बिजनेस और प्रोफेशन। तो कायदे से देखा जाए तो इसके अंदर बिजनेस एलिमेंट है ना, मैं 30,000 रुपये के AC लेके आया, 32 में बेच दिया, अपने पड़ोसी को दे दिया, तो चाहे मेरा बिजनेस नहीं है पर बिजनेस एलिमेंट है ना इस ट्रांजेक्शन में। और ऐसा नहीं है कि ये ट्रांजेक्शन मैं बार बार करने वाला हूँ, मैं अपने इसे अपना बिजनेस बनाने वाला हूँ, तो पहले इस टाइप की ट्रांजेक्शन के ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करना था। ये जो 2000 रुपये अर्न किए मैंने, वो इनकम कंसिडर नहीं की जाती थी पहले। इस एक्ट में फर्स्ट टाइम ऐसे इनकम को इनकम कंसिडर किया गया और उसके ऊपर टैक्स इम्पोज किया गया। ठीक है जी, फर्दर इस एक्ट में फर्स्ट टाइम बिजनेस इनकम को कैलकुलेट करते हुए क्या क्या डिडक्शंस अलाउड होंगे, इसके प्रोविजंस बताए गए, राइट। तो बिजनेस इनकम में से क्या क्या डिडक्शंस अलाउड है, कैसे बिजनेस इनकम कंप्यूट करनी है, उसको लेकर बकायदा प्रोविजंस बनाए गए थे। बिजनेस इनकम पहले भी टैक्सेबल थी, लेकिन डिडक्शंस को लेके कोई प्रोविजंस नहीं थे, एक्सपेंसेस को लेके कोई प्रोविजंस नहीं थे कि क्या एक्सपेंस एडमिसिबल है, क्या एक्सपेंस एडमिसिबल नहीं है इनकम कैलकुलेट करते हुए। तो फर्स्ट टाइम जो प्रोविजंस बनाए गए थे वो 1918 में। उसके बाद जी हमारे पास आया फिर नया एक्ट 1922 में। ठीक है जी, तो इस एक्ट में फर्स्ट टाइम एनुअल फाइनेंस एक्ट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया कि जी टैक्स लॉज के अंदर अमेंडमेंट जो की जाएगी वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू की जाएगी। टैक्स लॉज को ही अमेंड नहीं किया जाएगा हर साल, बल्कि फाइनेंस एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस की जाएगी। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, फिलहाल के लिए आप दिमाग में रखिए कि जो ये एनुअल फाइनेंस एक्ट का कंसेप्ट है, ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया 1922 में। और साथ में इसी एक्ट में इनकम टैक्स अथॉरिटीज के की पोजीशन स्पेसिफाई की गई। हाँ जी, ये इनकम टैक्स कमिश्नर है, हाँ जी असिस्टेंट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, इनकम टैक्स ऑफिसर है, इनकम टैक्स कमिश्नर अपील है। तो जो नोमेनक्लेचर थी ना पोजीशंस की, वो फर्स्ट टाइम दी गई इस एक्ट के अंदर। बेसिकली जो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो इस एक्ट के अंदर लेड डाउन किया गया। ठीक है, इसके बाद तो फिर हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट 1961 आई गया, जो कि आज तक चल रहा है। तो हमें क्या पढ़ना है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। आ जाइए जी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉज। देखिए शुरुआत में जब बेसिकली हम कहते हैं जी कहाँ पर आई थी, देखिए फर्स्ट टाइम जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका प्रॉपर सिस्टम कहाँ डिजाइन किया गया, 1922 एक्ट के अंदर। तो जी साथ साथ एक एक्ट लाया गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू एक्ट 1924, जो इनकम टैक्स एक्ट 1922 था उसकी इंटेंशन को पूरा करने के लिए, कि ये एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होना चाहिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो एक एक्ट पास किया गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू एक्ट 1924, और उसी एक्ट में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जन्म हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही हमारे पास सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू का जन्म हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। ठीक है, जिसे आप बेसिकली रिवेन्यू डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं। तो ये है जो इनिशियल एपेक्स बॉडी थी,
charged with the administration of both direct taxes and indirect taxes. Supreme authority direct taxes or indirect taxes ke liye initially. लेकिन एकदम से वर्क प्रेशर इतना बढ़ गया कि महसूस हुआ कि सिंगल बोर्ड काम को पूरा नहीं कर पाएगा. तो जी 1 जनवरी 1964 से ही दो बोर्ड्स में स्प्लिट कर दी गई इस बॉडी को. एक आया हमारे पास सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा आया हमारे पास सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, राइट, सीबीडीटी, सीबीईसी. उस वक्त जीएसटी तो होता नहीं था, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम. तो जी ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और ये जो सीबीईसी हमारा दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है. सीबीडीटी इज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी फंक्शनिंग अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू एक्ट 1963. तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू एक्ट 1924 ये भी रिपील्ड हो गया था और इसकी जगह हमारे पास जो नया एक्ट आ गया था वो कौन सा था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू एक्ट 1963. और इसी एक्ट के अंदर इन दोनों बॉडीज का जन्म हुआ था. इस बॉडी को स्प्लिट कर दिया गया था फ्रॉम विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1964. तो ये याद रखने वाली बात है कि जी सीबीडीटी कोई इनकम टैक्स के अंदर नहीं एस्टेब्लिश किया गया, या फिर सीबीईसी कोई एक्साइज एक्ट के अंदर या कस्टम एक्ट के अंदर नहीं एस्टेब्लिश किया गया. ये जो दोनों बोर्ड है कौन से एक्ट में एस्टेब्लिश किए गए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू एक्ट 1963, और इनको पावर दी गई डायरेक्ट टैक्सेस को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए और इसको पावर दी गई इनडायरेक्ट टैक्सेस को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, ठीक है. आज की डेट में सीबीडीटी ही इंडिया का ऑफिशियल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जिसका काम मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, ठीक है जी. हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ सीबीडीटी. देखिए मेरे हिसाब से एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी चलिए आपकी बुक का टॉपिक है. तो एक तो चेयरमैन भाई साहब हो गए हमारे, और जो चेयरमैन है होल्ड्स द रैंक ऑफ स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और 6 हमारे पास मेंबर्स होते हैं सीबीडीटी में, और ये जितने भी मेंबर्स हैं दे होल्ड द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो चेयरमैन होल्ड्स द रैंक ऑफ स्पेशल सेक्रेटरी और मेंबर्स होल्ड द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ये 6 मेंबर्स हैं, मेंबर्स इनकम टैक्स, मेंबर्स लेजिस्लेशन एंड कंप्यूटराइजेशन, मेंबर रिवेन्यू, मेंबर पर्सनल एंड विजिलेंस, मेंबर इन्वेस्टिगेशन, मेंबर ऑडिट एंड जुडिशियल. हर मेंबर के अलग अलग फील्ड स्पेसिफाई किए हुए हैं, ठीक है जी. द सीबीडीटी चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ सीबीडीटी आर सिलेक्टेड फ्रॉम द इंडियन रिवेन्यू सर्विस. तो अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं सीबीडीटी का, सीबीडीटी मतलब इस बोर्ड का, तो जी आईआरएस की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है. तो ये बेसिकली आपका चैप्टर नंबर 1 था जो कंप्लीट हो गया. मैं एक बार आपकी बुक से भी आपको दिखा देता हूँ. देखिए डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस वो चीज़ हम देख चुके हैं, डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, डिफरेंस हम कवर कर चुके हैं सारे, ठीक है जी. फिर मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हम देख चुके हैं, डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हम देख चुके हैं, मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस हम देख चुके हैं, डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस हम देख चुके हैं, बैकग्राउंड ऑफ टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया ये हम देख चुके हैं जी, टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया ये हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में देख चुके थे, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्सेस, राइट. फिर जी एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट हम देख चुके हैं, सीबीडीटी और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. आ जाइए जी जीएसटी काउंसिल के बारे में, मैंने डिटेल में आपको बताया नहीं है क्योंकि जीएसटी काउंसिल का यहाँ पर थोड़ा सा दे रखा है. हमारे पास तो पूरा एक कह सकते हैं पार्ट है जीएसटी का 35-40 मार्क्स का, तो वहाँ बड़ा डिटेल में बताया जाएगा, इसलिए अभी आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. उसके अलावा ये विटल स्टैटिस्टिक्स एंड लेआउट दे रखा है, तो जिसमें दम हो याद कर लेना बेसिकली किस फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट हुआ, कितना इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट हुआ, कितना टोटल कलेक्ट हुआ, और क्या डायरेक्ट टैक्स एज परसेंटेज ऑफ टोटल टैक्स, ठीक है. तो देख लीजिएगा अगर याद कर पाए तो. फिर जी ये डायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशियो दे रखी है,
पर याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेसिकली किसी भी कीमत में एग्जाम्स में पूछे नहीं जा सकते, राइट। जैसे छोड़ दीजिए, तो हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब जो इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स है वो हम क्वेश्चन आंसर आंसर वाली क्लास में देखेंगे, लेकिन अगर मैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं, मैं कहूँगा 3 to 4 मार्क्स का मैक्सिमम, एक शॉर्ट नोट वगैरह आ सकता है इसके ऊपर, तो वो क्वेश्चन आंसर वाली क्लास में देखेंगे हम लोग, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्लास से वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2, टेक केयर। चैप्टर नंबर 2 क्या है, बेसिकली बड़ा ही लंदी चैप्टर है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। इन्होंने ना एक ही चैप्टर में सब कुछ कवर करने की कोशिश की हुई है। पहले तो इन्होंने एक ओवरव्यू दिया फाइनेंस बिल का, ठीक है जी, फिर काफ़ी सारी डेफिनेशंस दी, फिर जी इन्होंने इसी में ही कवर कर रखा है कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, कि इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स पढ़ने के लिए बेसिकली हमें क्या क्या पढ़ना जरूरी है। फिर जी इनकम की डेफिनेशन है, कैपिटल एंड रिवेन्यू रिसिप्ट के ऊपर इन्होंने अच्छा खासा दे रखा है, फिर चार्ज ऑफ इनकम, रेजिडेंशियल स्टेटस है हमारे पास, और जो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, सब इसी चैप्टर में कवर किया हुआ है। तो इस सेकंड चैप्टर की तो मान के चलिएगा 7 से 8 क्लास तो कम से कम लगेगी, वो भी कंसेप्ट बेस्ड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर क्लासेस तो अलग से हैं, ठीक है जी। चलिए टेक केयर।